एक्सप्रेस टाइम्स हेल्थ टिप्स में कोहनियों और घुटनों पर जमने वाली मैल साफ करने का आसान तरीन कुदरती नुस्खा बताएंगे। नाजरीन, धूप की वजह से हमारी जिल्द सबसे ज़्यादा मुतासर होती है, ताहम घुटनों और कोहनियों की रंगत बाकी जिस्म की निस्बत ज़्यादा सयाह हो जाती है। अब माहिरीन ने ख्वातीन के इस बड़े मसले के कई आसान तरीन मुसर हल बता दिए हैं। माहिरीन का कहना है कि जिस किसी को स्याह घुटनों और कोहनियों का मसला दरपेश हो, वो खीरे के टुकड़े करके कोहनी और घुटनों पर 15 मिनट तक इन्हें रगड़े और फिर पानी से धो डाले। खीरे में ब्लीचिंग की खसूसियात होती हैं जो जिस्म पर लगी मुर्दा जिल्द को उखाड़ने और साफ़ करने में इंतहाई मददगार साबित होती है। दूसरा तरीका ये है कि एक लीमू को काट कर उसके एक टुकड़े के ऊपर एक चम्मच बेकिंग सोडा छिड़कें और कोहनियों और घुटनों पर एक मिनट के लिए रगड़ें और फिर धो डालें। लीमू में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी पाए जाते हैं जो स्किन लाइटनिंग के लिए इंतहाई मुफीद अज्जा हैं। कोहनियों और घुटनों की स्याह रंगत से निजात का तीसरा तरीका माहिरीन ने यह बताया है कि दूध और बेकिंग सोडा का एक आमेज़ा बनाएं और उसे कोहनियों और घुटनों पर लगाकर दायरे की शक्ल में नरमी से रगड़ें और कुछ देर बाद धो डालें। नाजरीन, कच्चा दूध कुदरती सनस्क्रीन की खसूसियात रखता है और जिल्द को धूप के मनफी असरात से भी महफूज रखता है। एक और तरीका लीमू के रस और हल्दी का भी है। थोड़े से लीमू के रस में इतनी हल्दी डालें कि इसकी पेस्ट बन जाए और फिर इस पेस्ट को कोहनियों और घुटनों पर कुछ देर के लिए लगा दें। इससे भी आपकी कोहनियों और घुटनों की जिल्द कुदरती जिल्द जैसी साफ शफाफ और सफ़ेद हो जाएगी।